गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर मैथ्स सेशन. स्टूडेंट्स, ओपन द योर मैथ्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 166. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिविजन स्टेशन. ओके, आज हम रिविजन स्टेशन देखने वाले हैं. ओके, अब देखो, द क्लॉक शोज, ये यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्लॉक दिया है. ओके, सो ये क्लॉक में कितने बज रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ये क्या है, शॉर्ट हैंड है वो 4 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है. सो कितने बजे, 4 o'clock, द टाइम इज 4 o'clock. ओके, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, दैट्स वाई सर्कल अराउंड सी. लुक एट द कैलेंडर गिवन बिलो एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ये कैलेंडर दिया है हमें अगस्त मंथ का, कौन से मंथ का कैलेंडर है, अगस्त. ओके, सो स्टूडेंट अब देखो, एक मैं बात बताती हूँ. ओके, जब हमने मंथ्स देखे तो मैंने आपको कैलेंडर ऑब्जर्व करने को बोला था, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हर एक मंथ में डेज दिए होते हैं ना. एस यू मीन्स संडे, एम ओ मीन्स डी मंडे, टी यू मीन ट्यूजडे, डब्ल्यू यू मीन्स वेंसडे, ये हुआ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. ओके, और ये जो डेट्स है वो मतलब ये 4 संडे है यहाँ पे इस मंथ्स में. मंडे को कितनी डेट्स है, 4 डेट्स है, मतलब 4 मंडे आने वाले हैं, 4 ट्यूसडे आने वाले हैं, 5 वेंसडे आने वाले हैं, 5 थर्सडे आने वाले हैं, 5 फ्राइडे आने वाले हैं, 4 सैटरडे आने वाले हैं, ऐसे इसका मतलब होता है ना. सपोज हमने फर्स्ट वेंसडे को, अगस्त मंथ के फर्स्ट वेंसडे को कौन सा डेट है, सो ये वेंसडे है, इसके नीचे फर्स्ट वेंसडे को 1 डेट है, मतलब फर्स्ट 1 ही डेट है. ओके, देन फर्स्ट थर्सडे को कौन सी डेट है, तो फर्स्ट थर्सडे को 2 डेट है. ओके, अगर हमने पूछा तो सेकेंड थर्सडे को कौन सी डेट है, तो सेकेंड थर्सडे को 9 है. ओके, लाइक दैट, ऐसा इसका मीनिंग है ना. अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, द डे ऑन द सर्कल डेट इज, ये जो डेट है सर्कल की हुई 12, इसके इस डेट के दिन कौन सा डे आता है, तो ये कौन से डे के नीचे है, संडे के नीचे है, मतलब ये 12 संडे को आएगी. ओके, 12 डेट संडे को आएगी, तो इसको हम संडे को सर्कल करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, दिस मंथ स्टार्ट्स ऑन डैश डैश, ये मंथ कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है. अब देखो ये डेट की 1, ये मंथ की फर्स्ट डेट कौन से डे को है, वेंसडे को है, मतलब ये मंथ वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है. ओके, ऐसा इसका मीनिंग होता है. देन नेक्स्ट, लुक एट द गिवन करेंसी एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे नोट्स देखने हैं हमें और करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है. ओके, अब देखो पहले यहाँ पे 5 और 10 का नोट दिया है. ओके, देन सेकेंड इसमें 10, 5 और 2 के कॉइन्स है, थर्ड इसमें 50 और 10 का नोट है. ओके, तो क्वेश्चन देखो, द बॉक्स ऑन द डैश डैश हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, कौन से डैश में ज़्यादा मनी है, ये कितने हुए 10 और 5, 15 रुपीज, ये कितने हुए 15 रुपीज. देन नेक्स्ट इसमें 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, ये कितने रुपीस हुए 19 रुपीस, ये सेकेंड बॉक्स में. ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें समझने के लिए 19 रुपीस. देन थर्ड बॉक्स में 50 और 10, 60 रुपीस. सो कौन से बॉक्स में ज़्यादा रुपीस है, तो मिडल के बॉक्स में है या लेफ्ट साइड के बॉक्स में, राइट साइड के, राइट साइड के, मतलब उसमें 60 रुपीज है. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्सेस मिडल एंड राइट साइड, मिडल एंड राइट साइड इज, मिडल बॉक्स में 19 है और राइट साइड के बॉक्स में 60 है, तो 60 + 19 किया तो कितने हुए 79, सो आंसर इज 79. देन नेक्स्ट, द बॉक्स इन द मिडल हैज डैश डैश मोर देन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड, ये मिडल बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड का बॉक्स है, सो लेफ्ट साइड के बॉक्स से मिडल वाले बॉक्स में कितने ज़्यादा रुपीज़ है, 15 इसमें है, इसमें 19 है,
सो 16, 17, 18, 19 फोर रुपीज एक्स्ट्रा है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 167, इस पे हमें क्या दिया है, वर्कशीट दिया है। कैन यू टेल द टाइम डिस्प्ले इन दिस क्लॉक्स, राइट द आंसर इन द बॉक्स। ओके, बॉक्स में हमें टाइम लिखना है जो क्लॉक में ऑलरेडी दिया है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट हैंड 4 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, सो व्हाट टाइम इज इट, 4 o'clock। सो 4 कोलन ऑलरेडी उन्होंने दिया है, 00, ये हो गया 4 o'clock। देन नेक्स्ट, कितने बजे है इस क्लॉक में, यस वेरी गुड, 6 o'clock, द टाइम इज 6 o'clock। देन हियर दोनों हैंड 12 पे है, मीन्स इट्स 12 o'clock। देन नेक्स्ट वॉच में शॉर्ट हैंड 9 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, मीन्स द टाइम इज, यस वेरी गुड, 9 o'clock। देन नेक्स्ट, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो द टाइम, ये टाइम आपको क्लॉक में दिखाना है। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2:00 मीन्स द टाइम इज 2 o'clock, तो 2 बजे है ये हमें दिखाना है। तो क्या करना है, जो हावर हैंड है वो 2 पे निकालना है शॉर्ट हैंड, और लॉन्ग हैंड 12 पे होगा। ओके, सो कितने बजेंगे, 2 o'clock। देन नेक्स्ट टाइम है 11 o'clock, सो 11 बजे है ये दिखाने के लिए शॉर्ट हैंड 11 पे निकालेंगे, लॉन्ग हैंड 12 पे निकालेंगे, कितने बज गए, यस 11। ओके, देन नेक्स्ट 3 o'clock, सो 3 पे शॉर्ट हैंड, 12 पे लॉन्ग हैंड। ओके, अब देखो कितने बजते हैं, मतलब प्रॉपर नंबर दिखाना है, तो वहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट हैंड निकालना है और लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पे रखना है, मतलब उतने बजते हैं परफेक्टली। ओके, ऐसा इसका मीनिंग होता है। देन नेक्स्ट 5, देन 5 पे हम शॉर्ट हैंड निकालेंगे और 12 पे लॉन्ग हैंड निकालेंगे, ये हो गए 5 o'clock। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल गोज टू द मार्केट टू बाय सम थिंग्स, राहुल मार्केट में कुछ थिंग्स लेने को गया है, हेल्प हिम टू गिव द करेक्ट नोट्स एंड कॉइन्स टू द शॉपकीपर, हमें उसकी हेल्प करनी है शॉपकीपर को करेक्ट नोट और कॉइन देने के लिए। ओके, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मनी, और करेक्ट ऑप्शन और मनी को सर्कल करना है। ओके, यू मे नीड टू सर्कल मोर देन वन अमाउंट, हम एक अमाउंट से भी ज़्यादा नंबर्स को, मतलब नोट्स और कॉइन मिल के सर्कल कर सकते हैं, ज़्यादा अगर अमाउंट हो रहा है तो। ओके, अब देखो राहुल ने आइसक्रीम खरीदा है, आइसक्रीम है 15 rupees का, तो हम 15 rupees को सर्कल करेंगे। सो पहले हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, 15 rupees का नोट होता है क्या, नहीं, तो एक नोट और एक कॉइन लगेगा। सो 10 प्लस यहाँ पे 5 का कॉइन कहाँ पे है, देखो ये 50 paisa है। ओके, 5, सो 10 प्लस 5 15, सो राहुल उसको आइसक्रीम लेने के लिए क्या देगा, 10 का एक नोट देगा और 5 का कॉइन, मतलब 15 rupees देगा। ओके, देन नेक्स्ट, राहुल ने एक बुक खरीदा है जो कितने रुपीज़ का है, यस 25 rupees का है। ओके, सो 25 के लिए वो क्या देगा, पहले 20 का नोट देगा। ओके, 20 rupees का नोट देगा और बाद में 5 rupees का कॉइन देगा। ओके, सो 20 एंड दिस बाय 25। देन नेक्स्ट, राहुल ने स्कूल बैग खरीदा, वो कितने रुपीस को खरीदा है, 80 rupees को, तो वो क्या करेगा, बड़ा नोट देगा है ना। सो कौन सा नोट देगा, 50 rupees का एक नोट देगा। देन 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80, 50 का एक नोट देगा, 20 का एक नोट देगा और 10 का एक नोट देगा। ओके, राहुल उसको 3 नोट्स देगा। ओके, और सपोज राहुल ने 100 का नोट्स दे दिया, तो 100 में से हमें 80 ही रुपीज़ देने हैं, तो 20 rupees उससे वापस लेगा। ओके, सो ऐसा हमने क्या किया है, यहाँ पे राहुल को मदद की है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, पेज नंबर 166 पे जो रिवीजन स्टेशन दिया है वो देखा, और पेज नंबर 167 पे जो वर्कशीट दिया है वो हमने देखा है। ओके, सो आज आपको क्या करना है, यस ये दोनों पेजेस
वेरी गुड, फिलअप करने हैं ओके और इसके फ़ोटो मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं ओके स्टूडेंट्स। चलो फिर मिलेंगे, बाय।